यहाँ पर जितने भी बोर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, एग्जाम पैटर्न बदल गया है। जी हाँ, जरूरी जानकारी इस खबर में देखिए ध्यान से। जी हाँ, यहाँ पे जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को चेंज करने की बातों को मंजूरी दे दी गई है। अभी अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन सभी चीज़ों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अभी जस्ट कुछ ही समय पहले की यह न्यूज़, जिसके मुताबिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पूरे पैटर्न को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब जिस प्रकार से आपने आज तक के कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन को दिया होगा, इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन इतना ज़्यादा डिफरेंट होगा कि आप लोगों ने इस बात की तुलना भी नहीं की होगी। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे काफी बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके चलते यहाँ पे CBSE, CISE या देश के विभिन्न स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के ऊपर भी यह चीजें लागू होंगी, यह एडवाइजरी लागू होगी। गाइडलाइंस जारी हो गई, जिसके चलते आज वन बाई वन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को लास्ट मिनट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैटर्न बदल गया है। जी हाँ, जरूरी जानकारी इस खबर में देखिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी यहाँ पे बोर्ड कैंडिडेट हैं, जिन लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन होना है, उनके लिए यहाँ पे काफी बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या आप लोग गार्जियन पेरेंट्स हैं, तो इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स को जरूर दिखाएं, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा परख स्कीम के लॉन्च होने के बाद सभी CISE CBSE के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर थे, तो जितने भी स्कूल बोर्ड अफिलिएटेड, उनमें खलबली मच गई थी। आपको याद होगा कर्नाटका साइड के काफी ज्यादा CBSE CISE के स्कूल्स की फाइल मिसिंग होने लगी थी। क्यों? क्योंकि परख स्कीम के साथ साथ जिस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर मनमानियां करते थे, चाहे मैं किसी भी बोर्ड एग्जाम काउंसिल कमेटी की बात कर लूँ, चाहे CBSE की बात करें, चाहे CISE की बात करें, या तो विभिन्न स्टेट बोर्ड की बात करें, यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से काउंसिल अपने हिसाब से चीज़ों को कंडक्ट कराता था, अब पूरी तरह से गवर्नमेंट ने उस पर शिकंजा कस लिया है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के टर्म एंड कंडीशन पर ही अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होते थे, उसके चलते यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में सभी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता था। बोर्ड एग्जामिनेशन काउंसिल कमेटीज अपने मन मुताबिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती थी, जिससे नंबर इफ्लक्चुएट होते थे। काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स के नंबर काफ़ी अच्छे आ जाते थे कंपेयर टू ICSE CBSE, जिसके चलते यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को चेंज करने की बातों को मंजूरी दे दी गई है। अभी जस्ट सुबह मॉर्निंग में काफ़ी बड़ी अपडेट के साथ इन सभी चीज़ों को लॉन्च कर दिया है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन के पूरे पैटर्न को पूरा गवर्नमेंट बेस्ड पे बना दिया गया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते आप लोगों के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं क्लास 9, क्लास 10, 11, 12, आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में प्रूफ के माध्यम से पूरी जानकारी दिखाऊंगा, जिसमें जो एडवाइजरी जारी हुई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके साथ साथ यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे आपके सिलेबस के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सभी चीज़ों को लेकर डिसीजन लिया है कि जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज करते हैं, सिलेबस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएं, जिसके चलते सिलेबस को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया जाए, थोड़ा बहुत अपडेट किया जाए। क्योंकि आपको याद होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी कि हम चाहते हैं वन नेशन वन सिलेबस कंडक्ट कराया जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, होता क्या था कि किसी का NCERT पैटर्न पर बेस्ड रहता था, किसी का यहाँ पे अलग पैटर्न पर बेस्ड रहता था, जिसके चलते नंबर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते थे, और यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर का लेवल था वह काफ़ी डिफरेंटली आता था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों के चलते एक एडवाइजरी जारी करते हुए इन सभी बातों को कन्फर्म किया है कि अब से बोर्ड एग्जामिनेशन जिस प्रकार भी कंडक्ट होंगे, उनमें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा उसको सेम ही रखा जाएगा। भले ही क्वेश्चंस अलग अलग हों, लेकिन जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो एक पैटर्न है उसको यहाँ पे सेम ही रखा जाएगा, जिसके चलते बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी गई।